नमस्ते, आज मैं रागी रोटी बना रही हूँ और इसके साथ टमाटो का पका हुआ टमाटो का चटनी बना रही हूँ। ये गरम हो गया है, थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ इसमें। चार मैंने हरी मिर्ची लिया है इसके लिए, उसको थोड़ा फ्राई करूँगी। कांदा टमाटो का मैं चटनी बना रही हूँ और ये आधा मैंने कांदा लिया है और 3 टमाटो लिया है। थोड़ा जीरा डाल रही हूँ। मिर्ची हो गया है, अभी निकालती हूँ इसको। तेल डालती हूँ, कांदा थोड़ा फ्राई करूंगी कच्चा पन जाने तक। और अभी इसमें टमाटर डालेंगे। ये भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जल्दी पक जाएगा। इसमें डाल रही हूँ, और ये ठंडा होने के बाद इसको पीस लेते हैं। रागी लिया है आटा, रागी का नाचनी बोलते हैं इसको, और ये 1 कटोरी काकड़ी है ये, और सेपों की भाजी है ये, और छोटा सा 1 कांदा, हरी मिर्च है ये 2 पीस के मैं डाल रही हूँ, और 2 चम्मच है नारियल है, और 2 चम्मच चावल का आटा है, एकदम नरम होता है करके मैंने चावल का आटा डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो नरम वाला रोटी बनता है इसमें। थोड़ा हिंग डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। अजवाइन है तो आपके पास डाल सकते हैं चाहिए तो, नहीं तो नहीं डालेंगे तो चलेगा। इसको सब अच्छा तरह से मिक्स करूँगी। पानी डाल रही हूँ अभी। एक कटोरी डाली हूँ मैं अभी। थोड़ा सा और लगेगा, ज़्यादा नहीं। तवा गरम करने के लिए रखी हूँ गैस के ऊपर, अभी दिखाती हूँ अभी बना के रोटी। ये मिक्स हो गया है, अभी रोटी बनाती हूँ।
एकदम पतला आता है, इसके ऊपर बनाएंगे तो। अभी इतना इतना ले रही हूँ आटा। ऊपर से भी थोड़ा तेल लगाई हुई, चिपकेगा नहीं फिर हाथ को। तवा गरम हुआ है, अभी इसके ऊपर डाल दें। ये थोड़ा ऊपर उठ गया है तवा से, ये अपने आप निकल जाता है। थोड़ा तेल लगा रहे हैं इसके ऊपर। गैस को मीडियम रखना चाहिए। ये होने तक मैं थोड़ा चटनी पीस लेती हूँ। ये अभी उल्टा करती हूँ, हो गया है एक तरफ से। रोटी बन गया है। टेबल स्पून में सेंग दाने का पाउडर बना के रखी हूँ, वो डाल रही हूँ। और थोड़ा सा कोथिंबीर है। ठंडा हो गया है, अभी मैं पीस लेती हूँ। पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा ही पीसने का इसको। नमक थोड़ा कम हुआ है, इसके लिए मैं और थोड़ा डाल रही हूँ। तड़का बना रही हूँ चटनी के लिए। थोड़ा सा राई डाल रही हूँ। लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें। इसमें थोड़ा हींग डालती हूँ, थोड़ा सा इसमें हींग डाल रही हूँ। ठंडा होने के बाद इसको पीस लेती हूँ। चटनी हो गया है, इसके ऊपर मैं तड़का डाल रही हूँ। ये अभी बन गया है, आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके हमको बता दीजिए कैसा हुआ है।